अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ अज़ीम ख़ान वतन। या नाज़रीन, आज हम CO17 के डिनाइल के बारे में बात कर रहे हैं। CO17 है क्या? इन मेडिकल बिलिंग CO17 डिनाइल रेफर्स टू ए क्लेम बीइंग डिनाइड बिकॉज द रिक्वेस्टेड सर्विस इज़ कंसिडर्ड नॉट कवर्ड बाय दिस पेयर और कॉन्ट्रैक्टर। दिस मीन दैट द इंश्योरेंस कंपनी और पेयर डज नॉट कवर द सर्विस अंडर द पेशेंट हेल्थ प्लान और द सर्विस इज एक्सक्लूडेड फ्राम द पेशेंट बेनिफिट्स। नाज़रीन, यहाँ पर इस डिनाई का मतलब यही है कि जब हम बिल करते हैं क्लेम को, उसमें पेशेंट्स के बेनिफिट्स क्या है और इस बेनिफिट्स के मुताबिक क्या पेशेंट के जो सर्विस है जो हम बिल कर रहे हैं वो कवर्ड है कि नहीं है, उस केस में क्या होगा। उस केस में इंश्योरेंस डिनाई देगा कि ये जो बेनिफिट्स हैं पेशेंट के उसके मुताबिक ये सर्विस कवर नहीं है। इसके रीजंस क्या हैं, जो रीजंस क्लेम के डिनाई की तरफ जाते हैं वो है सर्विस एक्सक्लूडेड, नॉन कवर्ड सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज़। एक्सक्लूडेड सर्विस, एक्सक्लूडेड का मतलब ये कि जो सर्विस हम जो डॉक्टर ने प्रोवाइड किए होते हैं वो एक्सक्लूडेड होते हैं पेशेंट के कवरेज के मुताबिक। जो पेशेंट के कवरेज है उन्होंने जो प्लान लिया होता है इंश्योरेंस से, उसके मुताबिक ज़ाहरी बात है उनको बताया जाएगा कि आपके ये जो प्लान ले रहे हैं जिनके आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको ये सर्विसेज जो है वो पे होंगे, ये सर्विसेज देनाए होंगे। तो उस केस में पेशेंट का प्लान जो है उसका कवरेज जो है वो कवर नहीं करा रहा। नॉन कवर्ड सर्विस क्या है जी? नॉन कवर्ड में जो प्लान है उसमें इंश्योरेंस कह रही है कि मेडिकली नेसेसरी नहीं है, दैट्स वाई हम क्लेम को डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, सर्विस मे बी डीम्ड मेडिकली अननेसेसरी बाय द पेयर्स। इंश्योरेंस के प्लान के मुताबिक ये है कि जो सर्विसेज है वो कवर्ड नहीं है, इसीलिए क्योंकि मेडिकली नेसेसरी था ही नहीं और इन्होंने पेशेंट ने सर्विसेज ले लिया, डॉक्टर ने सर्विस प्रोवाइड कर दिए। कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि डॉक्टर का कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का होता है और सर्विसेज जो है वो उससे रेलिवेंट नहीं होते, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए गए या उन सर्विसेज को बिल नहीं किया जाता। उस केस में क्या होता है, उस केस में क्लेम जो है वो पे नहीं होगा और वो बताया जाएगा कि एज़ पर द प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सर्विस कवर्ड नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिनाई दिस क्लेम। सो उस केस में हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि जो सर्विसेज हैं एज़ पर द प्लान है पेशेंट्स के कवरेज के मुताबिक हैं या जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करें, डॉक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम बिल कर रहे हैं क्या वो मेडिकली नेसेसरी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि इनका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले वेरीफाई कवरेज, पेशेंट्स के कवरेज को, उसके बेनिफिट्स देखेंगे, उसके कवरेज डिटेल देखेंगे, ये पोर्टल्स के ऊपर भी देख सकते हैं और इंश्योरेंस को कॉल करके भी हम बेनिफिट्स या कवरेज जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं इंश्योरेंस से। उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन ये है कि इफ़ द सर्विस इज कवर्ड यू मे नीड टू प्रोवाइड एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन एंड रीसबमिट द क्लेम। अगर आपके मुताबिक ये सर्विस जो है वो गलत डिनाए हुए हैं, ये कवर्ड थी जो इंश्योरेंस ने गलती से डिनाई किए हैं, तो आप क्या करेंगे, अपील भेजेंगे या आप जो है वो मेडिकल रिकॉर्ड्स भेजेंगे और उस रिकॉर्ड्स की ये इंडिकेशन होगी कि भाई ये तो हमने प्लान के मुताबिक बिल किया, आप क्यों डिनाई कर रहे हो उसको। पेशेंट कम्युनिकेशन, इन्फॉर्म द पेशेंट्स दैट द सर्विस इज़ नॉट कवर्ड एंड डिस्कल अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन। आप क्या करते हो अगर सपोर्ट इंश्योरेंस पेमेंट नहीं करती और जो पेशेंट के कवरेज है वाकई उसमें ये सर्विसेज नहीं पे होगी, तो उस केस में आपको पेशेंट को कॉल करनी होती है और पेशेंट को बताना होता है कि भाई इंश्योरेंस आपके प्लान को कवर नहीं कर रही, तो इसीलिए आपको एक अल्टरनेटिव प्लान देना होगा या आपको मंथली पेमेंट प्लान के मुताबिक पे करना होगा या आप इंश्योरेंस से कहलवा के अपनी पेमेंट जो प्लान है या कवरेज प्लान है उसको चेंज करा के क्लेम को रीप्रोसेस की तरफ भेजना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो पेशेंट को खुद पे करना होता है एज़ पर द पेशेंट पेमेंट प्लान। ये एक पेमेंट प्लान ऐसा होता है कि जिसमें पेशेंट एक साथ जो है वो सारी पेमेंट नहीं दे सकती, तो इसीलिए वो एक प्लान के तहत, मतलब लेट सपोज़ अगर $500 है तो हर मंथ पेशेंट अगर ये प्लान सेट कर दे कि हर मंथ मैं $100 पे करूँगा, तो ये पेशेंट प्लान के मुताबिक वो 5 मंथ तक वो प्लान चलेगा और उससे पेशेंट जो है वो अपने ड्यूज क्लियर करेंगे। तो ये एड्रेसेस हमने इसलिए किए कि आप जब आपके पास डिनाई आता है तो आप उस टाइम सोचते हो कि क्या उसका सोल्यूशन होना चाहिए, हम कैसे किस तरीके से इन प्लान्स को कवर करें या इन क्लेम्स को रीप्रोसेस करें और इसके अलावा और कुछ नहीं। थैंक यू।